तो चलो चलो जल्दी से बनाते हैं गार्लिक ब्रेड। आज इस गार्लिक ब्रेड को बेक करेंगे कुकर में। यह एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, हमारी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कुकर में कैसे बेक करते हैं। वैसे तो मैं इसकी फुल रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने माइक्रोवेव में उसको बेक किया था, पर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से गैस स्टोव पर आसानी से गार्लिक ब्रेड बेक कर सकते हो। तो चले झटपट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले उसका डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप गुनगुना पानी ले लिया। ऐसा गुनगुना रहना चाहिए कि आपका फिंगर अच्छे से डीप हो जाए। यहाँ पे मैंने एक्टिव ईस्ट ले लिया, यहाँ पे 1 टेबल स्पून एक्टिव ईस्ट डालेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और ईस्ट का यानी खुराक, दोनों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे आधा घंटा के लिए। देखिए आधा घंटा के बाद मैंने कवर हटाया है, देखिए एकदम ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे एक चलनी ले लेना और यहाँ पे 1 कप भर के मैदा लेंगे, यानी 1 कप यानी कि 250 ग्राम, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून नमक, सब डाल के इसको अच्छे से छान लेना है। देखिए अच्छे से छन चुका है। अब इसको इसका एक डो तैयार करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। देखिए ये डाल दिया है, वो जो आधा कप मैंने गुनगुना पानी बचा के रखा था वो इसमें अभी यूज करेंगे। पहले इसको मिला के देख लेते हैं, जितना पानी की जरूरत पड़ेगी उतना ले लेना है। देखिए इसको अच्छे से स्मूथली बनाना है। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ले लेना, इसका एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करना, जैसे आप पिज्जा का डो तैयार करते हैं उस तरह से इसका करना है। बस यहाँ से 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मिचाड़ लेना फ्रेंड्स। देखिए रेडी हो चुका है, इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से मिचाड़ लिया है। अब इसका बॉल तैयार करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ करके और पॉकेट बंद कर देंगे, और ऊपर हल्का सा 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे कि इसका मॉइस्चर बना रहे। अच्छे से पूरे में ऑयल को लगा देना है, इसको कवर करके आधा घंटा के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। मैं इसे कवर करके आधा घंटा के लिए रख दूंगी, आप चाहो तो प्लेट से भी कवर करके रख सकते हो। ये आधा घंटा में अच्छे से राइस हो जाएगा। देखिए मैंने कवर करके रख दिया था आधा घंटा, आधा घंटे के बाद मैंने कवर हटाया है, देखिए एकदम अच्छे से राइस हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। देखिए मैं इसका जाली दिखलाती हूँ, इसके डो का एकदम परफेक्ट बना है। अगर इस तरह का डो आपका तैयार होता है तो आपका गार्लिक ब्रेड बिल्कुल डोमिनोज से के तरह बन के तैयार हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। देखिए अब यहाँ पे 2 जावे लहसुन का महीन काट के इसमें डाल देना, अगर या गार्लिक पाउडर आपके पास रहे तो वो भी ऐड कर सकते हो, और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छे से इसके अंदर मिला देना है गार्लिक जो चॉप किया हुआ है। और उसके बाद देखिए डो रेडी है, इसका 2 भाग में इसको बांटेंगे, इसका 2 गार्लिक ब्रेड बन जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसको अच्छे से इसका ऊपर से नीचे की तरफ करके इसका पॉकेट बंद कर देना, जो अंदर एयर रहेगा अंदर ही रहेगा। यहाँ पे एक बटर पेपर ले लेना, बटर पेपर को खूब अच्छे से ग्रीस कर लेना, तो इसी तरह अच्छे से ग्रीस कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए ये अच्छे से ग्रीस हो गया, इसको क्या करना है फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से फैला लेना, जिस तरह डोमिनोज वाले जो करते हैं ना हाथ ही से फैलाते हैं, आप चाहो तो बेलन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका डो परफेक्ट बना था, ये हाथ से आराम से फैल जाता है। देखिए अच्छे से फैल चुका है। यहाँ पे 1/2 कप बटर ले लेना, उसको अच्छे से पिघला लेना, यहाँ पर ऑर्गेनो जो 5 रुपीज़ वाला पैकेट आता है ना वो इसमें डाल देना, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और कुछ जावे मैंने लहसुन का चॉप करके रखा था वो डाल देना, और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा वाइट नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ती, सबको डाल के इसको मिक्स कर लेना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेजीज लिया है, वेजीज आप अपने हिसाब से लेना। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन चिली चॉप किया हुआ, टमाटर, धनिया पत्ती, कैप्सिकम, ओनियन और थोड़ा सा स्वीट कॉर्न लिया है, और यहाँ पे मैंने इसमें ग्रीन चिली चॉप किया हुआ थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, जो बटर का मैंने बैटर बनाया था, और अमूल चीज़ का 2 क्यूब लिया है, आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो बटर में मैंने मिक्स किया था धनिया पत्ती और लहसुन और ग्रीन चिली सब जो मिक्स किया था वो इसमें लगा देना, अच्छे से स्प्रेड कर देना अच्छे से। देखिए इसमें लगा देना है, लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा वेजीज डालेंगे, जो आपको पसंद हो वेजीज डाल देना, इसके ऊपर थोड़ा सा ओनियन डालेंगे, टोमेटो, कैप्सिकम, और थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालेंगे फ्रेंड्स। आप चाहो तो विदाउट वेज के भी बना सकते हो, प्लेन भी बनता, सिर्फ गार्लिक है तो गार्लिक यानी लहसुन इसमें पड़ता ही है, आप लहसुन डाल लें,
चीज डाल के चिली फ्लेक्स डाल लें और ऑर्गेनो डाल लें, और उसके बाद आप बना सकते हैं, वैसे भी खा सकते हो। देखिए ऊपर से मैंने कॉर्न डाल दिया, स्वीट्स कॉर्न डाल दिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर चीज डालेंगे। चीज आप अपने हिसाब से डालना फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कम चीज डाल रही हूँ, आप चाहो तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक। अब पानी से किनारे किनारे अच्छे से इसको भिंगा देंगे कि एक दूसरे में चिपकाना है। यहाँ पर से अच्छे से उठा लेना फ्रेंड्स और इसको अच्छे से चिपका देना। और उधर मैंने कुकर को 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने रख दिया था, उसमें नमक और स्टैंड डाल के। आप पहले कुकर को गैस पे रख देना, उसके बाद इधर प्रिपरेशन करना। और ऊपर से जो मैंने वो बैटर बनाया था, बटर में सब चीज़ डाल के ऑर्गेनो और लहसुन और ग्रीन चिली सब इसके ऊपर लगा देना। और उसके बाद नाइफ से हल्का सा ऊपर से चाट मसाला काला नमक छिड़क देना और नाइफ से हल्का हल्का निशान लगा देना। कट पूरा नहीं करना, हल्का करना कि बेक होने के बाद उसको आराम से कट कर सके आदमी। यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे फ्रेंड, जो कुकर के अंदर आराम से आ जाए। और इधर देखिए 10 मिनट्स पहले मैंने प्री हीट करने कुकर रख दिया था। आप भी जब बनाने का रहे पहले प्री हीट करने कुकर को धीमी आंच पे रखना। प्री हीट हो चुका है, इसके अंदर केयरफुल्ली डालना ध्यान से, क्योंकि कुकर ऑलरेडी गर्म हुआ हुआ है। और इसको कवर लगा देना, कवर का रबड़ और सीटी हटा के लगाना और धीमी आंच पे रखना, मीडियम टू स्लो धीमी आंच पे ये बेक हो जाएगा। और आप 15 मिनट से, मेरा तो बेक अच्छे से हो चुका था, आप बीच में 10 मिनट बाद खोल के एक दफ़ा देख लेना कि कैसे बेक हो रहा। अगर कम रहा तो आप थोड़ा सा 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। देखिए मैंने 15 मिनट्स बाद कवर हटाया है, देखिए पूरा अच्छे से बेक हो चुका है, कलर भी प्यारा सा आया है। देखने में लग रहा है ना ये माइक्रोवेव या ओवन में बेक हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि गैस स्टोव पे कुकर में बेक हुआ है। इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा लेना जो घोल के पहले मैंने रखा था। फ्रेंड्स जितना अच्छे से कुकर में बेक होता है उतना अच्छे से दक्ची या पतीला कढ़ाई में नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कहूँगी आप कुकर ही में बेक कर लेना। थोड़ा सा कुकर बड़ा साइज का लेना, मेरा थोड़ा छोटा कुकर था इसलिए थोड़ा सा शेप हल्का सा गड़बड़ हो गया है साइड का। वैसे बेक तो एकदम परफेक्ट हुआ था, एकदम टेस्टी सा डिलीशियस सा बन के तैयार हुआ था। खाने में तो मत पूछिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था और इतना ईजी भी बन के तैयार हो गया, आपको यकीन नहीं होगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, साथ साथ अपने घर वालों का ख्याल रखना, खुश रहना।